पैन ही हिमनी, मैं हूँ हेमंत। और जिस तरह से मैंने पहले समझा था कि हमारा पैन ही हिमनी मेडिटेशन, फिर से समझाया, जैसे कंसेप्ट भी फिर से समझाया। अभी मैं हम आपको हमारा ये समझो कि हमारा पैन ही हिमनी वेंचर क्या है। मेरे लिए जो वेंचर था ये था फॉर द एक्सटेंड बियॉन्ड रिजम्स, डीएमसी, पीटी, एचएचपीएन, ZF1, ZF2, ZF3, BLDV, जैसे कि डिकेटी में सेंटा एंटस, पेरफेंटामस, पबी चिजेनोजिनस, प्लेक्सानिक्सस, जिकोफायरस 1, जिकोफायरस 2, जिकोफायरस 3, ब्लैक लाइट और डार्क लाइट, एक तो अच्छा एक बनाया हुआ एक बियॉन्डिज्म। तो वो उन एक्सट्रीम बियॉन्डिज्म्स के लिए था, वो तो जा चुके कि इन द मेन पेंगन हिमिनम बियॉन्डिज्म। उनके बाद में चले गए जो भी थे यहाँ के एक्स एटमिज्म। अब ये जो है ये पैकेज में आया है, ये पहले तय नहीं था कि यहाँ पर भी वेंचर करना है। लेकिन जैसे एक स्टेप बियॉन्डिज्म्स गए तो एक्स एटमिज्म्स की बात बाकी रही, तो फिर वहाँ पर हम आए डार्क वैक्यूम मल्टीवर्स पर यूनिवर्सिस कॉस्मोलॉजीज में आए। तो एक्स एटमिज्म्स भी बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म होकर चले गए पेनिंग हेमिनियन बियॉन्डिज्म में। अब बात रही दिस लास्ट रिमेनिंग एटमिज्म ऑफ डार्किज्म, पैराइज्म, कॉस्मोलिज्म। तो ये हमारे पूरे वेंचर का ढांचा है। पेनिंग साइकोसिस जैसे मैंने कहा कि उसका जो वेंचर है वो कर रही है इन डार्किज्म एंड पैराइज्म। और मैं जो कर रहा हूँ एज केवल साइकोसिस है ही में, मैं कर रहा हूँ कॉस्मोलिज्म में। लेकिन कॉस्मोलिज्म में भी जो भी आता है, अब फिलहाल तो मैं इस कॉस्मिक बॉडी फॉर्म में हूँ, इस धरती पर हूँ, तो मेरा जो भी एक ऑन स्क्रीन जो मेरा काम है वो चलता है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर। लेकिन जो ऑफ स्क्रीन चलता है वो कहीं हम जो कहीं आता नहीं है, लेकिन वो चलते रहता है। तो ऐसा है हमारा पैनिवेरी वेंचर जो मैंने आपको फिर से समझाया। इस पर और कोई कॉस्मिक बातें कुछ नहीं आता है। आई होप कि मैं आपको फिर से समझा पाया हूँ ठीक से। सो थैंक यू पैनिवेरी।